सेगमेंट आ गया है, मजा तो लीजिए। हम तो मरी हुई भिंडी का मजा लेते हैं, हत्या किए हुए बैंगन का मजा लेते हैं, डीप फ्राई करते तो बेचारा जो मर जाता है बैंगन, भिंडी मर जाती है, वो चाव से खाते जैसे मुर्गे को खाते। तो कच्ची खाने योग्य सब्जियां, आलू कच्ची नहीं खाने, जो खाने योग्य हो वो आप सब्जियां खाइए, वो 100% यहाँ खाना है। और यही आपको बताया जा रहा है, फल और सब्जियां। आप घर पर ऐसा एक महीना करके देखिए, आपके जीवन में कितना परिवर्तन आ जाता है। करके देखिए, केवल सुनने की बात नहीं है, करने की बात है। तो पहला हो गया फल, दूसरा हो गया वेजिटेबल्स, और तीसरा है स्प्राउट्स, अंकुरित अन्न हम जो खाते हैं ना, गेहूं या ज्वार चावल, कैसे खाते हैं हम? गेहूं का आटा बना लेते हैं, आटे को पानी में डालकर आटा गूंथते हैं, रोटी बनाकर सेकते हैं और खाते हैं। ये ऐसे देखें, दिस इज टोटली, क्योंकि आग लग गई ना उसको, जिसको आग लग जाए बताइए क्या हाल होगा उसको, डेड फूड हो जाएगा वो, मृत भोजन हो जाएगा। उनको लाइव भोजन लेना है, जिंदा भोजन लेना है। आप चना होता है ना, भुना हुआ चना, उसको धरती के अंदर डालो उगेगा क्या? लेकिन आप यदि चने को जो भुना हुआ नहीं है उसको डालेंगे तो स्प्राउट्स आएंगे, जीवन आएगा उसमें। तो जीवंत भोजन हम ले, स्प्राउट्स जो है वेट पर सजग कराएंगे। कितनी चीजें हो गई? एक फल, दूसरा सब्जियां, तीसरा स्प्राउट्स। लेकिन एक सवाल आपके मन में अभी उठता होगा, चावल भी नहीं खाए, गेहूं भी नहीं खाए, दाल भी नहीं खाए, सब्जी तली हुई भी नहीं खाए, तो आखिर खाएं क्या? बहुत बड़ा सवाल है। आजकल तो हम यही खाते हैं, घर घर की कहानी नहीं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, और कोई तली हुई सब्जी फ्राई। जनरल ये है, बाकी तो और डिशेज तो बहुत सारी बनाते हैं। तो मैंने बताया मोर डिशेज मोर डिशेज। सवाल ये है, चावल भी नहीं खाएं, रोटी भी नहीं खाएं, सब्जी भी नहीं खाएं, दाल भी नहीं खाएं, तो आखिरकार क्या खाएं? एक बाया मीडिया है, बीच का रास्ता है, वो भी यदि हम करें तो भी स्वस्थ रह सकते। रोटी को हम 50% अल्कलाइन बना सकते, ये माताएं बहनें चाहे तो रोटी को 50% अल्कलाइन बना सकते, ये आपके ऊपर है। कैसे? मोटा आटा होना चाहिए पहली बात, या मल्टी ग्रेन आटा होना चाहिए, पतला आटा नहीं होना चाहिए और एक ही प्रकार का आटा नहीं होना चाहिए, मल्टी ग्रेन हो, ये वो चना हो, सोयाबीन हो, मूंग हो, उसको पानी में नहीं घुसना है। हम जनरली पानी में घुसते हैं, पानी में नहीं घुसना, उसको किसी भी सब्जी के रस में घुसे, कोई भी सब्जी, टमाटर के रस में, लाल रोटी बनेगी आपकी बढ़िया, पालक में घुसिए हरी रोटी बनेगी, केले में घुसिए सफेद रोटी बनेगी, अलग अलग कलर के, आप देखिए कितने मजेदार कलर के जो है।
ये आपके हाथ में है। यहाँ रस में नहीं तो किसी भी सब्जी में, सब्जी को मिक्सी में डाल दीजिए, पेस्ट बना लीजिए सब्जी, उसमें आटा डाल दीजिए। रस यदि कम निकलता है किसी में तो कोई भी सब्जी हो, टिंडा है, तुरई है, लौकी है, उसकी पेस्ट बना लो और पेस्ट में आटा डाल के गूंथ लो, उसे लोई बनाओ, उसे बेलन से बेलो और उसको फिर तवे पर सेको। सेकने के लिए तला है, रोस्टिंग इज आल्सो ए बहुत बड़ी कला है। कैसे हम रोटी को सेकें? रोटी को सबसे पहली बात तवा मिट्टी का होना चाहिए, किसी भी मेटल का नहीं होना चाहिए, और दूसरी बात लो फ्लेम होनी चाहिए, तेज फ्लेम पर नहीं, हाई फ्लेम पर कभी भी रोटी सेकना नहीं चाहिए, और तीसरी बात रोटी को बार बार परखना चाहिए, कोई काला दाग नहीं लगना चाहिए, बार बार परखिए, लो फ्लेम पर, मिट्टी के बर्तन के, मिट्टी के तवे के ऊपर, टाइम थोड़ा लगेगा इसको। काला दाग लग गया इसका मतलब ये है कि रोटी सेकने वाले का सेकते समय ध्यान नहीं हो रहा, रोटी सेकने में ध्यान नहीं। हमारे गुरु जी कहते थे, संत जी कहते थे, बोले मुझे रोटी दिखाओ तो मैं आपको बताऊंगा कि रोटी बनाने वाले ने रोटी बनाते समय किसे बात की। बोले जिस भी रोटी को दाग लगा होगा पक्का समझो रोटी बनाते समय उसका ध्यान या तो किसी से उन्होंने बात की है या ध्यान कहीं और लगा होगा, रोटी में नहीं, इसलिए रोटी में काला दाग मिलता है, काला दाग मिलने चाहिए। कैसी रोटी बननी चाहिए? बिस्किट की तरह कलर होना चाहिए। बिस्किट का कलर कैसे होता है? भूरा, उस पर कहीं काला दाग होता है क्या? और बिस्किट जो है कुरकुरा होता है। ऐसे ही रोटी आप बनाएंगे तो ये भी कुरकुरी बनेगी, टेस्टी बनेगी, वो 15% अल्कलाइन, 100% तो नहीं बन सकता, लेकिन 50% अल्कलाइन आप बना सकते हैं। ये आपके हाथ में है, इन सब का स्वास्थ्य भी आपके हाथ में। अपना महत्व जानिए, योर इम्पोर्टेंस। और दूसरी बात, चावल को कैसे 50% बनाए? चावल को भी 50% बनाया जा सकता है, वो भी किचन क्वींस के हाथ में है। चावल आजकल जो है ब्राउन राइस आने लगे, ब्राउन राइस लीजिए, या ब्राउन राइस पर महंगे होते हैं, 100 से भी ऊपर होता है, 150 होता है, 140 होता है, एक ब्रांड पर डिपेंड करता है। अथवा सस्ते भी चावल आते हैं, राशन की दुकान पर जो चावल मिलते हैं बिना पॉलिश किए हुए, उसका उपयोग कर सकते हैं। 100 ग्राम चावल लीजिए, उसमें 500 ग्राम सब्जियां डालिए, 100 ग्राम पे 500 ग्राम सब्जियां, सीजन में जो भी सब्जी मिल जाए उसको डालिए, मूंगफली डाल सकते हैं, पनीर भी डाल सकते हैं, मूंग भी डाल सकते हैं, और जो चाहे प्रोटीन वाली चीज सोयाबीन की बढ़िया भी डाल सकते हैं, लेकिन चावल कब होने चाहिए? सब्जियां अधिक होनी चाहिए, वो उसमें न घी डालने की जरूरत है, न तेल डालने की जरूरत है, न मिर्ची डालने की जरूरत है, न नमक डालने की जरूरत है। कहिए भाई बिना नमक के कैसे खाएंगे? चटनी बनाइए,
और वो जो राइस बना है उसको क्या बोलते हैं? वेजिटेबल बिरयानी। वो वेजिटेबल बिरयानी जो है चटनी के साथ खाइए, 50% अंतर है। ऐसा आप करके देखिए प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करके देखिए। इस प्रकार से यदि हम भोजन में परिवर्तन लाएंगे, अधिक से अधिक जो है फल खाएंगे, सब्जियां खाएंगे, अंकुर खाएंगे और ऐसे 50% जो है रोटी या चावल खाएंगे, तो स्वस्थ रह सकते। ये हम चर्चा कर रहे थे चार प्रकार के भोजन में जो अल्कलाइन है, फल, सब्जियां, अंकुरित, और चौथी चीज क्या है? गाय का ताजा दूध, धारोषण दूध यदि मिल जाए। नहीं मिलता है तो समझ लीजिए दूध की हमें आवश्यकता है। धारोषण गाय का दूध, बच्चे थे हमारे दादाजी डायरेक्ट गाय के पास ले जाते थे, ऐसे हो गए अंदर भारोषण जाता है ना, उस दूध को गर्म करने की जरूरत थी ना उसमें मीठा डालने की जरूरत थी। जैसे बच्चा माँ का दूध पीता है उसमें कोई मीठा डालता है? कोई गर्म करते हैं क्या? अब आप ही नहीं देखो। सही मायने में दूध पीने का रास्ता है, लेकिन जब बच्चे को दांत आ जाते हैं तो प्रकृति कहती है उसको चबाओ, अब दूध की आवश्यकता नहीं है, माँ का दूध भी खत्म हो जाता है। जैसे प्रकृति कहती है उस हिसाब से उनको चलना चाहिए। तो ये चार प्रकार के भोजन हैं जो अल्कलाइन हैं, इनका अधिक से अधिक उपयोग करेंगे जब भी बीमार पड़ जाए तो अपने आप स्वस्थ हो जाएंगे, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। और बाकी जितने प्रकार के भी भोजन हैं ऑल और ऐसे भी सब जो है अम्लीय हैं, सब बीमारी करने वाले हैं, लेकिन वो कितना परसेंटेज होना चाहिए? 20%। इसके कभी कभी खाया जा सकता, कभी कभी, जभी तभी नहीं, नहीं महीने में भी एक बार खाया जाए, 20% के अंदर, इन द लिमिट ऑफ 20%। कभी कभी समोसा भी खाया जा सकता, कभी कभी गुलाब जामुन भी खाया जा सकता, कभी कभी मारे मिठाई भी खा सकता, कभी शादी ब्याह में गए, किसी का बर्थडे बर्सरी हुआ, कुछ भी हुआ, हम समाज में रह रहे हैं, समाज से कटना भी नहीं है, तो 20% की लिमिट में हम ये भोजन कर सकते हैं, 20% से ज़्यादा नहीं। 20% से ज़्यादा लेंगे तो एसिडिटी ब्लड में बढ़ जाएगी, हम बीमार पड़ेंगे, डॉक्टरों के चक्कर लगाएंगे, ठीक है? अब इस विषय में किसी को कोई सवाल हो, कोई शंका हो, any question? No question? Yes. कल मुझे जो प्रश्न दिया था उसमें दूध के लिए बिल्कुल आप समझ गया, आप बैठिए। देखिए किसी भी द्वंद में आप मत पड़िए, दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, द्वंद में नहीं पड़िए। ऐसे आपको जो है दूध के सपोर्ट में भी लोग मिलेंगे और दूध के विरोध में भी लोग मिलेंगे। ऐसे ही पानी के बारे में भी है, कुछ लोग बोलते हैं पानी खूब पीना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं नहीं पीना चाहिए।